नमस्कार, मैं संदीप कसालकर फिर एक बार स्वागत करता हूँ क्रिप्टो डी के खास शो क्रिप्टो क्राइम्स में। तो दोस्तों, मेटावर्स में होने वाले क्राइम से लेकर चैलेंजेस, रिसर्च और साथ ही साथ अटैक्स पर बात करने के बाद क्राइम इन मेटावर्स पार्ट टू में अब बारी है इस पर अप्लाई होने वाले लॉज की। लेकिन अपनी इस रोमांच भरे सफर को शुरू करने से पहले हर बार की तरह क्रिप्टो स्पेस से जुड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। लाइक एंड शेयर करें हमारा वीडियो, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और लेटेस्ट अपडेट्स हमेशा पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूले। तो आइए देखते हैं मेटावर्स पर कौन से कानून लागू होते हैं। तो हाल के समय में विशेष रूप से मेटावर्स या दूसरे वर्चुअल वर्ल्ड्स में रेगुलेट होने वाले कोई लॉज नहीं है। हालांकि वही सेम जनरल लॉज जो इंटरनेट पर अप्लाई होते हैं, वही मेटावर्स पर भी अप्लाई होते हैं, जिसमें कॉपीराइट लॉ, डिफेमेशन लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ और बहुत कुछ शामिल है। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉपीराइट लॉ के बारे में। तो कॉपीराइट लॉ ओरिजिनल वर्क्स को प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि बुक्स, मूवीज एंड सॉन्ग्स एक्सेट्रा। ठीक उसी तरह से मेटावर्स में कॉपीराइट लॉ आमतौर पर यूजर्स द्वारा बनाए गए कंटेंट, जैसे अवतार्स, वर्चुअल बिल्डिंग्स और डिजिटल आर्टवर्क पर लागू होता है। लेकिन अगर आप मेटावर्स में कुछ ऐसा बनाते हैं जो असल दुनिया में कॉपीराइटेड वर्क की तरह है, तो ये कॉपीराइट का उल्लंघन भी माना जा सकता है। इस तरह से कॉपीराइटेड वर्क के ओनर के पास अपने वर्क को रिप्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट, परफॉर्म और डिस्प्ले करने के एक्सक्लूसिव राइट है। वे दूसरे को भी ऐसा करने के लिए ऑथोराइज कर सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी राइट्स का उल्लंघन करते हैं तो आप पर कॉपीराइट उल्लंघन का केस चलाया जा सकता है। तो नंबर टू है अदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ इन्वेंशंस, ट्रेडमार्क्स और माइंड के दूसरे क्रिएशंस को प्रोटेक्ट करता है। मेटावर्स में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ अवतार्स, वर्चुअल बिल्डिंग्स और डिजिटल आर्टवर्क जैसी वर्चुअल गुड्स एंड सर्विसेज पर लागू होता है। नंबर थ्री, कॉन्ट्रैक्ट लॉ। कॉन्ट्रैक्ट लॉ कॉन्ट्रैक्ट्स के फॉर्मेशन और परफॉर्मेंस को कंट्रोल करता है। मेटावर्स में कॉन्ट्रैक्ट लॉ यूजर्स के बीच किए गए एग्रीमेंट्स पर लागू होता है। इन एग्रीमेंट्स में सेलिंग वर्चुअल गुड्स से लेकर रेंटिंग वर्चुअल प्रॉपर्टी तक कुछ भी शामिल हो सकता है। अगर आप मेटावर्स में किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो दोनों पार्टीज को एग्रीमेंट की शर्तों का पालन करना होगा। अगर एक पार्टी के लिए एग्रीमेंट पर टिक नहीं पाती है तो दूसरी पार्टी के पास कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन के लिए मुकदमा करने का हक मौजूद हो सकता है। नंबर फोर, टॉर्ट लॉ। तो टॉर्ट लॉ पर्सनल इंजरीज और प्रॉपर्टी डैमेज जैसे सिविल रॉन्ग्स को कंट्रोल करता है। मेटावर्स में किसी दूसरे यूजर्स के कारण होने वाले किसी भी नुकसान पर टॉर्ट लॉ लागू होता है। इसमें फिजिकल इंजुरीज, इमोशनल डिस्ट्रेस और प्रॉपर्टी डैमेज को शामिल किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई मेटावर्स में आपको फिजिकली असॉल्ट करता है तो आप उन पर असॉल्ट और बैटरी का मुकदमा भी कर सकते हैं। आप कोर्ट से कह सकते हैं कि वो आपको आपकी इंजुरीज, मेडिकल बिल्स और किसी भी दूसरे नुकसान के लिए पे करे जिससे आप सफर कर रहे हैं। नंबर फाइव, डिफेमेशन लॉ। डिफेमेशन लॉ लोगों को उनके बारे में दिए गए फॉल्स और डैमेजिंग स्टेटमेंट से बचाता है। मेटावर्स में डिफेमेशन लॉ यूजर्स द्वारा क्रिएटेड कंटेंट पर लागू होता है जो किसी दूसरे व्यक्ति या कंपनी के लिए महत्वपूर्ण है। मेटावर्स में किसी के बारे में फॉल्स और डैमेजिंग स्टेटमेंट देने का मतलब यह हो सकता है कि आपको रियल वर्ल्ड में डिफेमेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है। तो असल में मेटावर्स का एग्जिस्टेंस नए क्रिमिनोलॉजी को बढ़ावा नहीं देता है, बल्कि सच तो यह है कि क्राइम का क्वालिटेटिवली न्यू डायमेंशन मार्जिनल एरियाज में ही पॉसिबल है। ज्यादातर मामलों में मेटावर्स अब वेल नोन साइबर क्राइम्स के लिए इन्वेस्टिगेशन के न्यू फील्ड्स प्रोवाइड कर रहा है। दूसरी तरफ मेटावर्स एक वर्चुअल वर्ल्ड है जिसके अपने कानून है। सब्सटैंटिव लॉज रियल वर्ल्ड के लॉज की तरह है, लेकिन वे आइडेंटिकल नहीं है। इस तरह से अगर आप मेटावर्स में कुछ ऐसा करने की प्लानिंग बना रहे तो असल दुनिया में वो लीगल नहीं है। तो ये आपके लिए जानना जरूरी है कि कौन से कानून मेटावर्स तक एक्सटेंड हुए हैं। तो ये रही मेटावर्स क्राइम और लॉज से जुड़ी बातें। ऐसे ही मेटावर्स और दूसरे क्रिप्टो स्पेस से जुड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। लाइक एंड शेयर करें हमारा वीडियो, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूले। तो हाल फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं संदीप कसालकर फिलहाल आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।